Hello everyone, hope you all are doing good and safe at your own place. So welcome back to my channel Beauty Tips. So if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon for more updates. So today's video is all about how to remove blackheads permanently from the affected area of the face. So ये जो remedy मैं share करने वाली हूँ ये आपके blackheads, whiteheads and acne को remove करने में बहुत ज़्यादा help करेगा. अगर आप अर्ली 20s में है या लेट 20s में है तो ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है. सो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप बिना स्किप के बिल्कुल एंड तक देखिए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो. सो व्हेन एवर फेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑयल, डर्ट एंड पॉल्यूशन ऑन अ डेली बेसिस, दैट ऑयल कंप्लीटली ब्लॉक्स द पोर्स ऑफ द स्किन एंड व्हिच कॉज द ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड एक्ने ओवर द स्किन. सो ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए हमें फ्रिक्वेंटली अपने फेस को वॉश करना चाहिए, स्क्रबिंग करना चाहिए एंड फेस पैक यूज़ करना चाहिए. तो ये सब रेगुलर रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए. तो जब भी हम इसको फॉलो नहीं कर पाते, इसमें लैक करते हैं, तो उसी के वजह से ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड स्किन को मतलब फेस को बिल्कुल जिस फेस का लुक होता है वो बिल्कुल खराब कर देते हैं. आई एम गोइंग टू शेयर यू द रिमेडी विच इंक्लूड्स द क्लिनजिंग, स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइजिंग पार्ट. फॉर दिस रिमेडी आपको लेना है एक क्लीन बॉल. क्लीन बॉल में आपको लेना है लेमन, जो कि क्लिनजिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. बहुत ही अच्छे से नेचुरल ब्लीच जिसको बोलते हैं एंड नेचुरल क्लींजर भी बोलते हैं. आपको ऐड करना है लेमन जूस. उसके बाद आपको लेना है सॉल्ट, जो कि स्क्रबिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है स्पून ऑफ, पूरा स्पून नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया हुआ है. मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको हनी उसमें ऐड करना है. देन इस मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स करना है. तो इसमें मैंने ऐड किया हुआ है लेमन, जो कि क्लीन करने में फेस को जो भी डर्ट होता है, ऑयल होता है, पॉल्यूशन होता है, उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन को सॉफ्ट बना देता है. देन स्क्रब के लिए मैंने लिया हुआ है सॉल्ट. तो उसमें जो थोड़ा सा ग्रैनुल्स होता है, पार्टिकल्स टाइप्स का होता है, तो क्या करते हैं ना, अच्छे से स्क्रब करने में, अच्छे से उसको रब करने में और डर्ट को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. देन मैंने मॉइस्चराइजिंग के लिए लिया हुआ है हनी, जो कि नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जो कि स्किन को कम्प्लीटली मॉइस्चराइज करने में एंड दिन भर आपको मॉइस्चराइज फील कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो या इस मिक्सचर को आपको अच्छे से मिक्स करना है. मैं स्पून के हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी. सो ऐसे ही जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड एरिया होता है वो होता है हमारा अंडर आई एरिया एंड चीक एरिया, इतना तक ही अफेक्टेड होता है. एंड इसको अच्छे से अप्लाई करते रहना है. थोड़ा थोड़ा गिर रहा है. And then most affected area is the nose, corner of the nose. Then the chin. And lips ke around thode thode ho bhi jaate hai. Then forehead. अच्छे से उसको अप्लाई करते रहना है. इसको अप्लाई करके आपको 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है. देन आपको उसको अच्छे से स्क्रब करना है. तो देन 5 मिनट्स के बाद आपको उसको अच्छे से हल्के हल्के हाथ से रब करना है एंड ऐसे ही करते रहना है. थोड़ा हल्के हल्के से, ज़्यादा हार्श बिल्कुल भी नहीं करना है. जो भी सॉल्ट होता है ना आपका इसमें रह जाता है, उसको लेके यहाँ पे लगा के अच्छे से उसको रब कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ. मैंने बेकिंग सोडा के बारे में बहुत सुना है कि बेकिंग सोडा भी हेल्पफुल होता है ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में. लेकिन या आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड बेकिंग सोडा वंस ऑन माय फेस एंड उसके बाद मैं क्या बताऊँ, मेरे जो फेस के अराउंड ब्रेकआउट्स होने लगे, थोड़े थोड़े पिम्पल्स, मैंने जब भी उसको यूज़ किया उसी के बाद थोड़े बहुत पिंपल्स आने लगे. तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि पिंपल्स जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो तो उसका जो पीएच लेवल होता है वो 7 से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है. तो वो मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, उसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी. क्योंकि वो जो भी ऑयली स्किन वाले होते हैं या भी कॉम्बिनेशन स्किन वाले या सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. तो या वो वाला मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी. तो मेरे को ये वाला अच्छा लगा इसीलिए, क्योंकि इसका
का मैं अप्लाई कर चुकी हूँ मेरे फेस में आई थिंक 4 to 5 times ऑलरेडी, एंड इसका कोई भी बैड इफेक्ट्स मुझे अभी तक नहीं पता चला, बल्कि इसने इतना अच्छा किया कि मेरा आई थिंक ओनली विद इन द 2 to 3 use उसके बाद जो भी थोड़े थोड़े मेरे ब्लैकहेड्स थे मेरे नोज़ के अराउंड थोड़े ज़्यादा हो जाते तो वो बिल्कुल भी रिमूव होने लगे। तो मैं तो ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके स्किन पे कैसा इफेक्ट किया एंड आपके ब्लैकहेड्स कितने दिन में रिमूव हुए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका 1 या 2 बार यूज़ में अच्छा हो जाएगा, मिनिमम उसको 5 या 6 times यूज़ करिए, देन देखना कि कैसा अच्छे से ग्लो आएगा एंड ब्लैकहेड्स तो परमानेंटली पक्का रिमूव हो जाएंगे। तो आपको 5 to 6 times यूज़ करना है, इसको अच्छे से रब करते रहना है हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा हार्श बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यह ये एक ही रेमेडी में आपका क्लिनजिंग भी हो गया, स्क्रब भी हो गया, एंड ऑल्सो इसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हनी में इतना मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है और आपको दिन भर ऐसे मॉइस्चराइज फील कराएगा आपका फेस को। उसके बाद अच्छे से नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लेना है एंड उसको अच्छे से वाइप कर देना है। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हनी हमने ऐड किया था तो हनी इज़ अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट, एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट उसको यूज़ किया जाता है, तो कम्प्लीटली मॉइस्चराइज करने में स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑल अबाउट हाउ टू रिमूव ब्लैक हेयर्स फ्रॉम द स्किन। सो मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो आपको क्या करना है ना, दिन में एटलीस्ट 2 times अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश करना है एंड वीकली 2 to 3 times आपको स्क्रबिंग करना है एंड फेस पैक अप्लाई करना है अपने फेस पे, एंड आपको रेगुलर बेसिस में सर रेगुलरली आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए एंड जब भी बाहर जाते हो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑल अबाउट हाउ टू रिमूव ब्लैक हेयर्स फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया ऑफ द फेस। मेरा वीडियो आपको इफेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव लगा सो उसको जरूर आप यूज़ करिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट बिलो कि आपके ऊपर कैसा अफेक्ट किया। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।